Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see when we will start our React series. जी हाँ guys, चाहे मेरा वो HTML का course हो, CSS का हो या JavaScript का, मेरे जितने भी course हैं हर जगह पे बस एक ही question है कि React series का mega course या world best React series जल्दी लेके आ जाओ. एंड आई नो मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं बहुत जल्दी इसको लेके आने वाला हूँ, बट पिछले एक महीने से मैंने कुछ किया नहीं, अपडेट नहीं दिया अबाउट रिएक्ट. तो आज इस वीडियो में मैं आपके तीन डाउट जो इसको क्लियर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मैं वीडियो को बहुत स्वीट एंड सिंपल रखने वाला हूँ ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो. और गाइस, तो इसको मैंने तीन भागों में डिवाइड किया. सबसे फर्स्ट वन इज योर प्री रिक्विजिट कि रिएक्ट सीखने से पहले आप लोगों को क्या क्या आना जरूरी है ताकि जब मैं रिएक्ट से स्टार्ट करूँ आप एकदम फुली प्रिपेयर्ड रहो. सेकंड, अगर आपको एकदम इमरजेंसी नहीं भाई मुझे तो 15 दिन के अंदर ही रिएक्ट सीखना है, मुझे तो 10 दिन के अंदर ही रिएक्ट सीखना है, तब हम क्या करें, कहाँ से सीखे, तो वो सेकंड पॉइंट में मैं आपका क्लियर करूंगा कि आप कैसे सीख सकते हो. एंड देन थर्ड वन विल बी फाइनली व्हेन वी विल स्टार्ट आवर रिएक्ट सीरीज, उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला कि कब हम शुरू करने वाले हैं एंड क्या रीजन था जिसके चलते मैंने इतने देर तक इसको होल्ड करके रखा हुआ है. और गाइस, तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले गाइस, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले ऑसम वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें. सबसे फर्स्ट इज योर प्री रिक्विजिट कि रिएक्ट सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए. सबसे पहली बात तो ये कि रिएक्ट क्या है. रिएक्ट कैसे कि आपका फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस, फ्रंट एंड यूआई लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है. अब यहाँ पे रिएक्ट किसी का भी फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं हो सकता, राइट? अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को भाई मैं तो एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है, एंड आपने ये देखा यार रिएक्ट में तो बहुत पैसे, फ्रंट एंड में तो रिएक्ट सीख लेता हूँ, तो गाइस डायरेक्टली रिएक्ट पे हम जंप नहीं करना है हमें, क्योंकि रिएक्ट इट्स लाइक 10th क्लास का बोर्ड, समझ रहे हो. 10वीं का बोर्ड देने से पहले हमें फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8th, 9th, तब जाके हम 10th में जाते हैं, राइट? तो पहले का भी तो थोड़ा कुछ सीख लो ना, दुनिया देख लो थोड़ा कैसा होता, थोड़ा एंजॉय करो यार अपना मोमेंट चाइल्डहुड वाला, कहाँ डायरेक्ट रिएक्ट में जंप कर रहे हो. तो सबसे फर्स्ट इज योर HTML, नो मैटर व्हाट, ये एक पिलर है, फ्रंट एंड का पिलर है योर HTML, ताकि आपका जो भी सिंटैक्स, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो ढांचा जो है वो आपको दिखने लग जाए. वहां पे जो भी एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, ये जो भी आपके फॉर्म्स, टैग, सिमेंटिक लेआउट, ये जो कुछ भी है आप एक बार देख लीजिए. हालांकि रिएक्ट में तो JSX यूज होता है, बट कहीं ना कहीं वो भी HTML JavaScript इस तरीके से मिला के ही बना हुआ है. ठीक है, XML भी कह दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी HTML आपको आना जरूरी है, एकदम हाईफाई नहीं, बेसिक. ठीक है, सेकंड इज योर स्टाइल. अब आपका फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मतलब जो बाहर दिखाई दे रहा है. अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लेट्स से हेयर कट लेना है एंड आपके सामने दो दुकानें हैं, एक दुकान एंड आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि अंदर क्या है, कैसे प्रोफेशनल्स है या नॉर्मल लोग है, बट बाहर अगर एकदम मस्त पूरा डिजाइन खतरा दिया हुआ है और एक में एकदम झोपड़ा वाला दुकान है, तो आप किसमें एंटर करोगे? एंड प्राइस दोनों में सेम लिखा है, 100 rupees हेयर कट, 100 rupees हेयर कट. ऑब्वियसली जो एकदम मौसम दिख रहा है उसके अंदर आप एंटर करोगे ना. कहने का मतलब क्या है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, उसी के लिए CSS है. CSS is used for styling, right? तो React में भी आपको स्टाइलिंग करना है, भले ही आप एकदम CSS यूज करो या बूटस्ट्रैप करो, या आज के टाइम में तो हमें तो टेलविंड चाहिए, या स्टाइल कंपोनेंट, या सेट्स, या पता नहीं क्या आ चुका, बट ये जितने भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है स्टाइलिंग वाले, ये कहां से निकल रहे? लोग CSS से निकल रहे, कहां से? CSS से. तो एक HTML, दूसरा CSS, नो मैटर व्हाट आपको आना जरूरी है. वंस अगर आपको स्टाइलिंग में CSS के बेसिक प्रॉपर्टीज ये सब पता चल गया ना, आपको मजा आ जाए. फ्लैग बॉक्स, ग्रीड, आपका पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट, एंड आपका ये बॉक्स मॉडल, समझ रही है, ट्रांसफॉर्म, ये सब वो सब अगर आपको थोड़ा आइडिया आ गया तो आपको मजा आ जाएगा. एंड देन थर्ड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज योर जावास्क्रिप्ट. रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट का ही तो एक लाइब्रेरी है, राइट? तो जिनको जावास्क्रिप्ट आता है उनके लिए रिएक्ट सीखना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा. जिनको जावास्क्रिप्ट आता है उनके लिए एंगुलर, व्यू, नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, ना जाने ऐसे बहुत सारे बैकबोन जेस, एम्बर, पता नहीं क्या क्या होंगे, वो सीखने इजी हो जाएंगे क्योंकि ये सब आपके जावास्क्रिप्ट से ही निकले. तो अगर आप बेस, जो पिलर है, अगर वो अपना स्ट्रॉन्ग करते हो, देन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है. तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, एटलीस्ट बेसिक आना बहुत ही ज्यादा जरूरी. अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार अब मैं कहां से सीखूं, किसका चैनल देखूं, या कौन सा कोर्स उठा लूं अब ये सीखने के लिए. तो कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना. ठीक है, HTML वर्ल्ड बेस्ट HTML कोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स दो पार्ट में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. इससे बेटर CSS कोर्स कहीं आपको मिले मेरे को भाई बता दो, मैं डिलीट कर दो वीडियो, इससे बेटर. क्योंकि जितने मैंने एनिमेटेड PPT उसकी CSS को एक्सप्लेन करने में, जितने मैंने प्रोजेक्ट साइड किए, जो एंड में मेगा प्रोजेक्ट, तो सिर्फ बाकी के तो 3 घंटे के CSS का कोर्स होता है, मैंने तो 1-3 घंटे का तो प्रोजेक्ट ही रखा हुआ है वहां पे, समझ लो. तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा. एंड फाइनली जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मेगा प्रोजेक्ट जो कि
4-5 घंटे का, जिसमें मैंने पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट बताया आपको। तो गाइस सब कुछ तो ऑलरेडी है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, अब इन वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, आप बाकी और का भी देख सकते हैं, उनके भी ऑसम है, बट मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट है, तो आप उनको जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, एकदम कॉन्फिडेंट फील हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड मैंने ये कहा था कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी है कि नहीं मुझे विद इन 15 डेज 10 डेज मुझे रिएक्ट सीखना है, मेरा एक इंटरव्यू आ रहा है या मुझे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है एंड ऑल, तो मैं बताना चाहूंगा गाइस फिर देरी किस बात की है। यूट्यूब में वीडियो तो की कमी तो है नहीं, आपको जो क्रिएटर पसंद है आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, सबके अच्छे ही है, ठीक है। लेकिन मैं भी तो क्रिएटर हूँ, मैं भी तो वेब डेवलपर हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है अपने को भी, है ना। तो मैं तो ऑलरेडी 2020 में मैंने रिएक्ट की जो एक सीरीज डाली है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। देन आई गेस 2022 या 21 में मैंने रिएक्ट इन वन वीडियो के ऊपर डाला है वीडियो, आप उसको एक बार देख लीजिए। वो फिलहाल उस सीरीज से भी रहने दीजिए क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन रिएक्ट इन वन वीडियो जो आएगा 3.5 घंटे या 5 घंटे का खाली, सिर्फ उसको देख लीजिए। पूरा मैंने बेसिक कवर की है एंड मैंने प्रोजेक्ट्स भी उसमें बनाए हैं, तो उतना भी अगर आप खुद से कर लेते हो ना, एंड देन अब ये जो वर्जन 19 आने वाला है रिएक्ट का, तब आप खुद से देख पाओगे अच्छा इसमें ये था इसमें ये हुआ। एंड स्टार्टिंग के फेज में जो बेसिक जब हम रिएक्ट सीखेंगे तब आपको रियलाइज होगा अबे ये तो कुछ भी नहीं है, तो वही है आज से 5 साल पहले जो था अभी भी वही है, समझ रहे हो। वो तो कुछ हाई लेवल में जाके चेंजेस होते हैं जो भी हो रहा है। तो रिएक्ट इन वन वीडियो जो मेरा उसको एक बार चेकआउट कीजिएगा, एंड थोड़ा और डेप्थ में अगर आपको जाना है, देन रिएक्ट की मदद से मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है, वो कंप्लीट सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप मैं गया हूं, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ गाइस आपको मजा आ जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में रिएक्ट को हम एज अ फ्रंट एंड में कैसे यूज कर सकते हैं कंप्लीट फुली फ्लेश्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। तो सेकंड पॉइंट, अगर कुछ इमरजेंसी है, आपको जो क्रिएटर पसंद हो आप उनकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे ये जो दो वीडियो उनको देख लीजिए, रिएक्ट इन वन वीडियो जो अभी आपको कंप्लीट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एंड सेकंड रिएक्ट बेसिकली जिसके थ्रू मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया था। तो ये दो को अगर आप देखोगे इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। एंड फाइनली अब आ गया है थर्ड पार्ट, जहां पे आपका ये जो डाउट है भाई थापा टेक्निकल कब लेके आ रहे हो आप रिएक्ट की सीरीज, तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये ना मैं जनवरी में लेके आने वाला था, बिलीव मी जैसे ही मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाता मैं बेसिकली ये मेरा इन वन वीडियो नहीं होगा 22 घंटे 20 घंटे का, ये सीरीज होगा, तो मैं तो फुली प्रिपेयर था। मेरा एक वाई भी है, हम दोनों मिलकर कर रहे थे, बेसिकली उसने पूरा पीपीटी लिटरली 10 दिन दिन रात एक करके उसने पूरा पीपीटी बना के रेडी किया था, पूरा स्लाइड्स रेडी थे, पूरे कोड रेडी थे, डे वन से लेके ऑलमोस्ट 45 या 50 डेज का हमने रेडी कर लिया था, ठीक है, मतलब सब कुछ रेडी हो चुका था। देन फाइनली एक बॉम्ब फट गया, एंड दैट इज इन जनवरी, आई गेस कुछ तो जनवरी 19 या 20 तारीख को उन्होंने बोला कि हम एक जेएस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ठीक है, मई 15th एंड देन 16th को। हमने बोला चलो क्या ही हो गया, तो कॉन्फ्रेंस ही तो चलेगा, कोई नहीं, फिर भी हम काम कर रहे थे। मेरे माइंड में ये था कि मैं फरवरी के मिड में स्टार्ट करूंगा, एंड देन फाइनली कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट्स आते रहे जिससे एक हिंट हमें मिल गया था कि भाई कुछ तो मेजर अपडेट होने वाला। देन फरवरी के मंथ में ही उन्होंने एक अपडेट ये कर दिया कि समथिंग बिग इज कमिंग, है ना, कुछ तो यूज अपडेट आने जा रहा फाइनली ऑफिशियली ऐसे करके, एंड तब जाके पता चलता कि वर्जन 19 आने वाला है। अब मेरा दिमाग हो गया सुन, है ना, मैं बोला यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो इतनी मेहनत करके जो सीरीज बना रहा हूं वो तो सब वर्जन 18.2 या अभी रिसेंटली तो 18.3 भी आ गया होगा, तो वर्जन 18. समथिंग आने वाला है ना वहां पे तो, एंड जैसे वर्जन 19 अभी तो लॉन्च होने वाला है, ये मई 15 एंड देन 16 को ऑफिशियली इनका कॉन्फ्रेंस है, वहां पे लोग ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे। एंड अभी फिलहाल अप्रैल 26 2 या 3 दिन पहले इन्होंने वर्जन 19 को बेटा में भी लॉन्च कर दिया, हालांकि हम पहले इसको कैनरी वर्जन में यूज कर पा रहे थे, बट फिर भी जस्ट बिकॉज ये वर्जन 19 आने वाला है मई 15 एंड देन 16 को, मैंने सोचा कि अगर मेरा जो फर्स्ट वीडियो होगा ना हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट जेएस इन हिंदी, तो मैं क्या चाहता हूँ जब मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाऊं ये देखो वर्जन 19, तब मुझे भी ये लगेगा वाह यार मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, क्योंकि वर्जन 19 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो वर्जन 19 में ही होने वाला है, है ना, तो मतलब मुझे भी सुकून मिलेगा। एल्स आप में से बहुत सारे लोग फिर वीडियो नहीं देखोगे ये बोल के अरे यार वर्जन 19 आ गया ये तो 18 है कौन देखेगा इसको, जबकि बनाया तो मैंने 1 महीने पहले ही है, समझ रहे हो। एंड जो अपडेट आने वाले हैं वो भी बेसिक तो सभी सेम होने वाला है, कंपाइलर नया आने वाला है जिससे कुछ यूज मेमो यूज कॉल बैक ये सब जाने वाले, फॉरवर्ड ऐसे है बहुत सारी चीजें जो कि आगे वाली है, समझ रहे हो, जब हम बीच से कहीं ऊपर जाएंगे तब जाके वो चीजें आने लगेगी, तब आपको रियलाइज होगा अच्छा पहले ये यूज हो रहा था अब ये नहीं करके ये यूज करना है। तो मैं बस यही समय का इंतजार कर रहा हूँ,
कि कब मैं 15 एंड देन 16 को कैसे इनका कॉन्फ्रेंस आएगा। इफ यू वांट मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इसका ऑनलाइन टिकट बाय कर सकते हो, हालांकि लाइव भी है ये, तो अगर उसके ऊपर भी अगर आपको कौन कौन स्पीकर आने वाले हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। बट फाइनली आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे क्यों मैंने इतने देर तक इसको रोक के रखा, क्योंकि मैं 15 एंड देन 16 को वर्जन 19 ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। आई होप ऑफिशियली वो लॉन्च हो जाएगा, बीटा से स्टेबल में आ जाएगा वो। तब गाइस ऑन मई 20 तारीख से या तो लगे तो मैं गाइस 18 मई को ही करता, क्योंकि सब तो रेडी है मेरा, सब रेडी है। मैं बस ये चाहता था जब मैं इंस्टॉल करूँ ना वर्जन 19 लिख के आए, ताकि जो भी नए बच्चे देख रहे हैं अभी के जो जेन जी बच्चे, उनको तो क्या चाहिए, लेटेस्ट ही चाहिए। उनके लिए एक दिन पुराना भी 18.3 भी लिखा होगा तो शायद उनको लगे यार ये तो पुराना कोर्स है, जबकि एक दिन पहले का ही है, समझ रहे हो। तो मैं बस वो वर्जन 19 का इंतजार कर रहा हूँ, द मोमेंट वो आता है गाइस हमारा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा एंड मैं लिख के देता हूँ। 2020 में मैंने जो सीरीज अपलोड की थी बहुत ही ज्यादा ऑसम था, इससे कहीं गुना लाख गुना बेटर ये वीडियो होने वाला है, ये सीरीज होने वाली जहां आपको लाइक कहीं नहीं मिलने वाला, एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है एंड आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है एंड बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। सो गाइस टिल देन गाइस मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं जो जावास्क्रिप्ट इन 100 डेज से लेके आया हूँ, आप डेली उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो तीन चीजें कहा एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सेकंड में मैंने जो कहा रिएक्ट इन वन वीडियो एंड देन रिएक्ट ई कॉमर्स, उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इन 15 दिन आई गेस हाल ही 15 दिन बाकी, तो 15 दिन में आप इतना कवर कर लीजिए एंड अपने दोस्तों को भी भर भर के शेयर कर दीजिए एंड सबको बता दीजिए। तो प्लीज गाइस सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा एंड सबको आप बता सकते हो या इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हो। फाइनली थापा टेक्निकल चैनल में रिएक्ट ड्रेस की जो सीरीज है मैं 20 तारीख को ऑफिशियली जरूर आने वाला है, ठीक है। सो आई होप गाइस अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको भी अच्छा लगा होगा सुन के कि वर्जन 19 द मोमेंट लॉन्च होता है मैं स्टार्ट कर दूंगा, ताकि हम सबको मजा आए वर्जन 19 जब देखने मिलेगा ना तब मजा आएगा, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड गाइस अगर आपके मन में आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।